नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आप सभी का शिक्षा प्रवाह में। दोस्तों, मैं करुणा आज इस वीडियो में आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ पेंटिंग कोड 049 का सैम्पल क्वेश्चन पेपर। जैसा कि आपका मिड टर्म एग्जाम में आप लोगों से पूछा जाएगा, ये क्लास 11th के लिए होने वाला है। बेटा, आप लोगों का जो कोई भी सैम्पल क्वेश्चन पेपर है वो नहीं आया है पेंटिंग सब्जेक्ट का, लेकिन CBSE ने जो एनुअल एग्जाम का पैटर्न है वो अपलोड किया है, और उसी पैटर्न के आधार पर बेटा आपका जो है मिड टर्म एग्ज़ाम भी कंडक्ट कराया जाएगा। तो ये वाला जो सैम्पल क्वेश्चन पेपर है मैं लेकर के आई हूँ हिंदी मीडियम में, जल्द ही इंग्लिश मीडियम में भी मैं इसको अपलोड कर दूंगी। इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि आपका पेपर कितने नंबर का आएगा, कितना टाइम आपको दिया जाएगा, किस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और उनका आंसर हम किस तरह से लिखेंगे। तो बेटा, ये पहले अनसॉल्व एक क्वेश्चन पेपर है, इसके बाद की वीडियो में हम इसको सॉल्व भी करेंगे। लेकिन अगर आप शिक्षा प्रवाह पर पहली बार आए हैं, आपने अभी तक भी शिक्षा प्रवाह को सब्सक्राइब नहीं किया, तो सबसे पहले आप शिक्षा प्रवाह को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि इस तरह की और वीडियोस आप देख सकें, आप अपने जो सैम्पल पेपर हैं, प्रैक्टिस पेपर हैं और CBSE की बाकी अपडेट्स आपको यहाँ पर ईजिली मिलती रहेंगी। इसके अलावा आप अपनी मार्किंग स्कीम को भी यहाँ पर टैली कर सकते हैं। तो अब हम बात कर रहे हैं एग्ज़ाम पेपर की। तो बेटा, 2 घंटे का ये आपका एग्ज़ाम मिड टर्म का होने वाला है। 30 नंबर का जो थ्योरी का एग्ज़ाम है वो होगा और 20 नंबर का आपका प्रैक्टिकल होगा। ये सिर्फ आपको 30 नंबर की थ्योरी के लिए 2 घंटे दिए जाएंगे। इसमें कुछ जर्नल इंस्ट्रक्शंस जो हर तरह से एग्ज़ाम में, हर पेपर में दी जाती हैं, वो हैं कि आपका जो पेपर है वो 3 सेक्शंस में डिवाइड किया गया है, जिसमें जो सबसे पहला सेक्शन ए है उसके अंदर आपको जितने भी प्रश्न दिए गए हैं वो सभी अनिवार्य हैं और उनका जो अंक होगा वो 1 होगा। सेक्शन बी में भी जितने प्रश्न आपको दिए गए हैं वो सभी आपको करने होंगे और प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा। सेक्शन सी में बेटा आपको 2 प्रश्न करने हैं और उनमें से 1 का अंक 6 होगा। ठीक है बेटा, अब देखेंगे कि इन सेक्शंस में किस तरह के प्रश्न आपसे पूछे गए हैं। बात करते हैं सेक्शन ए की। तो यहाँ पर पूछा गया है दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करें। इसका मतलब MCQ बेस्ड क्वेश्चन आपके सेक्शन ए में पूछे गए हैं, जिसमें पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस केंद्र का संबंध प्रागैतिहासिक काल से है? तो आलमगीरपुर, लोथल, हड़प्पा और बनावली। तो लोथल, हड़प्पा और बनावली तीनों ही सैंधव क्षेत्र हैं। बचता क्या है? आलमगीरपुर। आलमगीरपुर कहाँ स्थित है? मेरठ में स्थित है। तो आलमगीरपुर का संबंध प्रागैतिहासिक काल से है। क्वेश्चन 2 यानी कि बी में आपसे पूछा गया है, गांधार कला केंद्र पर किस धर्म से संबंधित मूर्ति शिल्पों का निर्माण किया गया? तो गांधार कला केंद्र पर वैष्णव चित्र नहीं बने, हिंदू चित्र नहीं बने, सिर्फ बौद्ध धर्म से संबंधित चित्र कहाँ पर बने हैं? गांधार कला केंद्र पर। तो हम जाएंगे ऑप्शन सी पर, बौद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपसे यहाँ पर पूछा गया है, किस शासक के समय गांधार और मथुरा कला एक साथ अस्तित्व में आई? मतलब गांधार और मथुरा कला किस शासक के समय एक ही बार में बनाई जा रही थी? तो सम्राट अशोक के समय, कनिष्क, चंद्रगुप्त मौर्य या चंद्रगुप्त द्वितीय। तो हम जाएंगे ऑप्शन बी, कनिष्क के समय पर, जो कि कुषाण का पोता था। क्वेश्चन नंबर 4 है, किस कलाकृति का संबंध हड़प्पा संस्कृति से नहीं है? कलाकृति का संबंध जादूगर का नृत्य, आप लोगों को पता है भीमबेटका से मिला है, प्रागैतिहासिक कालीन चित्र है। मातृ देवी की मूर्ति, यूनिकॉर्न बुल और पुरुष धर, ये तीनों जो यहाँ पर कलाकृतियाँ हैं, ये तीनों कलाकृतियाँ सैंधव सभ्यता से हैं। सिर्फ जो जादूगर का नृत्य है वही है जो संबंध रखता है प्रागैतिहासिक कालीन कला से। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका, गांधार कला शैली पर किसका प्रभाव रहा? तो भारतीय कला का बिल्कुल भी नहीं, ग्रीक और यूनानी, इस्लामिक या फिर किसी भी कला का नहीं। तो हम लोगों ने पढ़ा है ना कि इसको हेलेनिस्टिक कला बोला जाता है, ग्रीक कला बोला जाता है। तो यह हम जाएंगे ऑप्शन बी पर, ग्रीक और यूनानी कला का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त नृत्य की किस धातु से बनी है? पीतल से, तांबे से, कांसे से या फिर लोहे से? तो हमने क्या पढ़ा है? कांस्य धातु से बनी है। तो यानी कि हम जाएंगे ऑप्शन सी, कांसा पर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्राट अशोक द्वारा निर्मित सिंह शीर्ष वर्तमान में कहाँ सुरक्षित है? तो उड़ीसा संग्रहालय में, पटना संग्रहालय में, सारनाथ संग्रहालय में या राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में? तो हम लोगों को पता है कि सम्राट अशोक ने जो सिंह शीर्ष बनाया है वो सारनाथ में बनाया है और वो सारनाथ संग्रहालय में ही सुरक्षित है। तो हम जाएंगे ऑप्शन सी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारा, चोरी वाहक मूर्ति शिल्प किस वंश के शासकों द्वारा निर्मित कराया गया? कुषाण, गुप्त, सुंग या मौर्य? तो हम जाएंगे ऑप्शन डी के साथ, मौर्य काल। ठीक है बेटा, क्योंकि ये सम्राट अशोक के काल की बताई जाती है। अब सेक्शन बी में किस तरह के क्वेश्चन है? सेक्शन ए में 8 क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं जो कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, एमसीक्यू बेस्ड प्रश्न है, यानी कि 8 नंबर आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न पर हो गए। सेक्शन बी में लघु उत्तरीय प्रश्न है जिनका उत्तर आपको अधिकतम 100 शब्दों में देना है। और बेटा हर क्वेश्चन के साथ आपको एक विकल्प दिया गया है, या तो आप उस क्वेश्चन के ऊपर वाला प्रश्न कर सकते हैं या फिर नीचे, और के नीचे भी एक प्रश्न पूछा गया है उसे कर सकते हैं। तो प्रश्न नंबर 2 है, एक बड़ी रहस्यमय आकृति एक वाद्य यंत्र के माध्यम से संगीतमय वातावरण प्रस्तुत कर रही है एवं अन्य आकृति हाथ में हाथ डालकर नृत्य प्रस्तुत कर रही हैं, चित्र को पहचान कर इसका कलात्मक एवं संयोजनात्मक विवरण प्रस्तुत कीजिए। तो आप लोगों को पता है वाद्य यंत्र कौन बजा रहा है? बड़ा सा जादूगर। तो चित्र का नाम है जादूगर का नृत्य, जो कि भीमबेटका का चित्र है, उसकी डिटेलिंग यहाँ पर आप कर देंगे। दूसरा ऑप्शन है, प्रागैतिहासिक कालीन कला केंद्र भीमबेटका के विषय में आप क्या जानते हैं? यहाँ पर आप भीमबेटका के बारे में बता दोगे, कितनी गुफाएं हैं, कितनी चित्रित हैं, कितनी सुरक्षित हैं, यूनेस्को ने कब उसको धरोहर घोषित किया, क्यों वो इतना ज़्यादा फेमस है, कौन से चित्र बने हैं, कौन से रंगों का प्रयोग कलाकारों ने वहाँ पर किया है। तो ये सारी डिटेल आप यहाँ पर प्रागैतिहासिक कालीन कला केंद्र भीमबेटका के बारे में दे देंगे। दोनों में से जो क्वेश्चन आपको अच्छा लगेगा उसको आप सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा गया है, सैंधव सभ्यता से संबंधित किन्हीं 2 मूर्ति शिल्पों में से किसी एक का विवरण प्रस्तुत करो। एक तो पुरुष धड़ है और दूसरा योगी मूर्ति है, ये जो आपको सैंधव क्षेत्र से मिले हैं। इन दोनों में से जिसके बारे में आपको ज़्यादा अच्छे से आप लिख सकते हैं उसके बारे में लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, सिंधु कालीन टेराकोटा मूर्ति शिल्प मातृ देवी का आलोचनात्मक विवरण प्रस्तुत कीजिए। आपके सिलेबस में 2 मातृ देवी दे रखी हैं जिसके अंदर से आपको एक ही का विवरण देना है, याद करना है, और मातृ देवी की मूर्तियां बहुत ज़्यादा आपके सैंधव क्षेत्र में बनी हैं, तो आप देख लेंगे। अगर आपको ये वाला क्वेश्चन करना है तो आप इसको सॉल्व कर लेंगे। दूसरा है इसके साथ ऑप्शन में, मोहन जोदड़ो से प्राप्त कांस्य नर्तकी के विषय में अपने विचार प्रस्तुत करें। कांस्य नर्तकी की डिटेल आप यहाँ पर दे देंगे। तो दोनों में से कोई एक प्रश्न आप यहाँ पर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, गांधार कला शैली की कलात्मक विशेषताओं को बताइए। गांधार कला शैली के जो मूर्ति शिल्प बने हैं कैसे बने हैं, क्या उनकी खासियत है, उसके बारे में डिटेल आप यहाँ पर देंगे। दूसरा है, मथुरा कला शैली की कलात्मक विशेषताओं का विवरण प्रस्तुत कीजिए। दूसरे में आपको मथुरा कला के बारे में बताना है। दोनों में से जो आप अच्छे से लिख पाएंगे उसका आंसर आप दे देंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, अजंता गुफाओं के संदर्भ में हीनयान में महायान संप्रदाय के विषय में अवगत कराएं। अजंता गुफाओं में जो 2 तरह के चित्र बने हैं, कुछ गुफाएं हीनयान से संबंधित है, कुछ महायान से संबंधित है, उसके बारे में जो आपको पता है वो आप यहाँ पर बताएंगे। दूसरा, अजंता कला शैली की रंग योजनाओं का विस्तृत विवरण। अजंता क्यों फेमस है? अपने रंग योजना और रेखाओं के कारण। तो रंग योजना कैसी है, किस तरह से प्रयोग में लाई गई है, दोनों में से जो आपको बेहतर लगे आप वो कर सकते हैं। तो ये था बेटा आपका सेक्शन बी, जिसके अंदर 5 क्वेश्चन आपको दिए गए हैं। 5 क्वेश्चन में आपको विकल्प दिया गया है, जो आपको सही लगेगा वो आप यहाँ पर करेंगे। सेक्शन सी है बेटा, जिसके अंदर आपको 3 प्रश्न दिए गए हैं और उन 3 प्रश्न में से बच्चे आपको कोई भी 2 प्रश्न करने हैं, 200 शब्दों में इनका उत्तर देना है, क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन है। जिसके अंदर पहला क्वेश्चन है बेटा आपका, अजंता गुफा से प्राप्त चित्र पद्म पाणि बोधिसत्व की विशेषताओं का वर्णन निम्न आधार पर करना है। कौन से आधार है? सबसे पहले तो चित्र है पद्म पाणि बोधिसत्व, अजंता की गुफा संख्या 1 से मिला है। उसकी विषय वस्तु के बारे में बेटा आप लोग बात करोगे, रंग योजना कैसी है बात करोगे, कौन सा माध्यम और तकनीक कलाकार ने प्रयोग में लाया है चित्र को बनाने के लिए वो आप बताओगे,
इसके अलावा चित्र की जो संयोजन व्यवस्था है उस पर बात करोगे। तो ये वाला क्वेश्चन है। इसके साथ ही एक क्वेश्चन है यहाँ पर, मौर्यकालीन मूर्ति शिल्प सीरीज के विषय में आप क्या जानते हैं। कलात्मक विशेषताओं सहित व्याख्या प्रस्तुत कीजिए। तो यहाँ पर मुझे लग रहा है कि कुछ मिस प्रिंटिंग है। सीरीज जो यहाँ पर ये लिखा गया है तो वो सीरीज वर्ण होकर के मेरे हिसाब से सी शीर्ष होना चाहिए। तो अगर हम इसको देखेंगे यहाँ पर, तो इस सीरीज को हम यहाँ से काट देंगे और यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, सी शीर्ष। तो ये थोड़ी सी मिस प्रिंटिंग हुई है बेटा यहाँ पर। जो सम्राट अशोक ने बनाया है सिंह शीर्ष, उसका कलात्मक विशेषताओं के साथ आपको व्याख्या देनी है। ये आपका दूसरा प्रश्न है। तीसरा प्रश्न है आपका, सैंदव सभ्यता के किन्हीं दो प्रमुख नगरों एवं वहाँ से प्राप्त मूर्ति शिल्पों का व्याख्यात्मक विवरण प्रस्तुत कीजिए। तो सैंदव सभ्यता के दो प्रमुख नगर कोई भी आप ले सकते हैं, लोथल मोहनजोदड़ो या हड़प्पा मोहनजोदड़ो या फिर कालीबंगा, या जो भी दो नगर आप लेना चाहो और वहाँ से जो भी मूर्ति शिल्प आपको मिले हैं उन मूर्ति शिल्प, मतलब कोई एक मूर्ति शिल्प आप उठा सकते हैं या दो मूर्ति शिल्प उठा सकते हैं, उनकी व्याख्या यहाँ पर आपको देनी है। ये नहीं हड़प्पा से जितनी मूर्तियाँ मिली हैं वो सब आप बताओगे। तो इस तरह से आपको ये तीन प्रश्न लास्ट में दिए गए हैं जो कि 6 नंबर में दिए गए हैं, इसमें से कोई से भी दो प्रश्न आप कर सकते हैं। तो ये था बेटा आपका सैंपल क्वेश्चन पेपर। आशा करती हूँ आपको काफ़ी मदद मिलेगी इससे, काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने इसमें डालने का प्रयास किया है। नेक्स्ट वीडियो में बेटा हम इस पेपर को सॉल्व करेंगे, किस तरह से हमें आंसर लिखना है उसको हम देखेंगे। बेटा वीडियो अगर आपको मेरी अच्छी लगी है, मेरी वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को ऑल पर सेट जरूर कर लेना।